हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इश्तियाक आवाज लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन, और क्या पढ़े थे? वर्टिकल लाइन का इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीन टॉपिक। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, और पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। तीन को ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है, ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। चलिए भाई, इससे पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अभी चेक कीजिए डिस्क्रिप्शन और जाकर देख के आइए। चलो भाई साहब, क्या पढ़ने वाले हम लोग? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ढाल अंतःखंड रूप। ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट? पहले की बताए इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट क्या होता है? तुमका इंटरसेप्ट के बारे में जानते ही कौन भला है? इंटरसेप्ट जो होता है, लेंथ कट बाय अ लाइन ऑन एन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो, किसी भी लाइन द्वारा काट देना, किसी भी लाइन द्वारा काट देना, यानी प्रतिच्छेद कर देना। तो कैसे प्रतिच्छेद करता है? आइए तो नहीं विचार लेते हैं। आइए, ये क्या हो गया आपका? वाई एक्सिस, ये क्या हो गया? अच्छा, इसमें किसी भी एक्सिस का चर्चा किया गया है क्या? नहीं किया गया। हम किसी भी एक्सिस को क्या करेंगे? काटेंगे। तो कैसे काटेंगे तो सुनिएगा, इसी से काटते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके। ऐसे अगर हम काट देते हैं, सुनिएगा, इस लाइन से, ये जो लाइन है, इस लाइन से क्या किया गया है? इस लाइन से आपको y अक्ष को काटा गया है, इस लाइन से आपको x अक्ष को भी काटा गया है, ठीक है? तो ये y अक्ष को जो काटा गया है, ठीक है, ये y अक्ष को जो काटा गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? y इंटरसेप्ट। आई अच्छा नहीं चल रहा है, y अंतःखंड, हिंदी में दोनों में चलेगा, ठीक है? और ये जो काटा गया है, ये इसको बोलते हम लोग x इंटरसेप्ट, x इंटर अंतःखंड के, एक्स अंतःखंड। अब तभी सुनिए भाई, कहेगा सर ये वाई इंटरसेप्ट जाने गए, एक्स इंटरसेप्ट जाने गए, लेकिन किताब के तरह देखे हैं इधर उधर, हम भी कहा देखे? तो वाई बराबर इसमें दिया है सी। अब हम बता रहे हैं लेकिन अभी तो यही बताइए रहे हैं आप लोगों को, ठीक है? ये जो आपका जो है, पहले सुनिएगा, इधर कर लेते हैं, जरा एक और लेते हैं, एक और लेते हैं हम लोग इसको। यहां एकदम ध्यान से देखिएगा इस चीज को, ये आपका x है, ये आपका क्या है? y। अगर इस प्रकार अगर काट रहा है एक लाइन इसको, यहां से यहां को क्या बोलते हैं? अभी तुरंत बताया भाई, y इंटरसेप्ट, इसको y बराबर क्या हो जाएगा? c। क्या हो जाएगा? c। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, x बराबर क्या लिया है इसमें? d। क्या लिया हुआ है? f इंटरसेप्ट को d लिया है, और y इंटरसेप्ट को क्या लिया है? c लिया है। फिर से x इंटरसेप्ट को क्या लिया है? c, और y इंटरसेप्ट को क्या लिया है? d। सॉरी, y इंटरसेप्ट को c लिया है, और x इंटरसेप्ट को क्या लिया है? d लिया है। कोई दिक्कत? अच्छा, इससे ये मालूम होता है कि इसका हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट इसमें देखिए तो y में दिया है, x में नहीं दिया है, मतलब 0, c। अच्छा, इसका हम निकाल सकते हैं डी कॉमा, लेकिन गड़बड़ है, माइनस जी ना होगा, इसलिए क्योंकि माइनस एक्स में वाई में नहीं बढ़ा। कोई दिक्कत? बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? इंटरसेप्ट इसमें हम दो को पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट जो पढ़ेंगे दो के लिए पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अरे 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 अभी कोई बातचीत नहीं हुआ।
चले भाई, इसमें हम दो पॉइंटर से पढ़ेंगे, सुनेंगे इंटरसेप्ट जो पढ़ेंगे वो दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग एक्स अक्ष पर जो काटेगा एक्स इंटरसेप्ट, और एक पढ़ेंगे हम लोग वाई इंटरसेप्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ज्यादा स्पीड में नहीं चलेंगे। अब सुनिए, एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो हम लोग क्या करें, ई लाइन से इससे निकालिए। अब कहिएगा सर हमारा मन है कि हम इससे न काटेंगे, कहिएगा सर हमारा मन है इसे काटने का, हमारा मन है इसको एक्स है ये वाई है, हमारा मन है इसको इस प्रकार काटने का। भाई आपके मन बता दिए इस प्रकार काटने का, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट कितना डी, यहाँ हो जाएगा आपका डी कॉमा जीरो, ये आपका क्या हो गया वाई इंटरसेप्ट सी, ये हो जाएगा आपका सी कॉमा जीरो कॉमा सी जीरो कॉमा, क्योंकि एक्स में जीरो है वाई में सी। अब कहेगा सर नहीं 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 हमारा मन ऐसे काटने का, बताते हैं डायरेक्ट ऐसे, ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट डी डी कॉमा जीरो, ये आपका हो गया वाई इंटरसेप्ट सी, ये हो गया जीरो कॉमा माइनस सी जीरो कॉमा। आप लोग जैसे निकालना हो निकाल सकते हैं, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है वो आपकी मर्जी है, जीरो कॉमा माइनस सी आपका आपका मर्जी है, इसे काटने का इसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। हाँ कहीं खाली है किसके खाली कैसे उला किसको काटेगा कहाँ काटेगा एक्स को, अगर ऐसा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हो गया, इंटरसेप्ट कहाँ होगा वर्टिकल लाइन हो गया तो पूरा अनंत दूरी पर हो जाएगा। आप एन एक्सिस लिखे ना कोई एक एक्सिस पे, हाँ हाँ एन एक्सिस पे सब कर रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं खाली एक्सिस को इसी को इसी को ना, ये इसको हम इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, इसको y बराबर, क्योंकि ये जो है ना आप कहा ये आपका x बराबर कुछ ना कुछ हो गया, इसको इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही अक्ष को काट रहा है, ये किसको काट रहा है एक ही अक्ष को काट रहा है, ठीक है। ऑन एंड एक्सिस हमारे लिखा है, इसका लिखने का मतलब एक एक्सिस पर नहीं काटना है, दोनों अक्ष को काटना है, दोनों अक्ष को काटना है x और y दोनों को एक ही बार में, देख रहे हैं हम जितना भी लाइन खींचे हैं y को भी काट रहा है x को भी काट रहा है, देख रहे y को भी काट रहा है और एक्स को भी काट रहा है, वाई को भी काट रहा है एक्स को भी, देखो ना यहाँ एक्स पर यहाँ, और आप जो बोले हैं सिर्फ किसको काट रहा है एक्स को काट रहा है, एक्स को काट रहा है कौन लाइन होगा वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, तो दोनों को काटना है तब इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। तो इसी में हम लोगों को निकालेंगे वाई इंटरसेप्ट और निकालेंगे एक्स इंटरसेप्ट, ये एन का मतलब एक एक्सिस पर नहीं है, एन इससे लिखा गया है कि ना तो यहाँ पर हम एक्स एक्स एक्सिस लिख सकते थे वाई एक्सिस लिख सकते थे, एक्स वाई न लिखने का हम एन लगाए क्योंकि ए से चालू इसलिए एन लगाया गया है, ए एन अध का मतलब एक नहीं होता, ठीक है। हाँ ग्रामर बढ़िया से पढ़िएगा, होता है हर जगह नहीं होता, हर जगह नहीं होता, ठीक है याद रखिएगा, ये एन का मतलब ही नहीं है मतलब एक ही लाइन पे काटेगा ऐसा नहीं है, ठीक ऑन एंड एक्सिस। यहाँ पर अगर ए एन नहीं होता तो यहाँ पर तुमको मजबूरी में या तो एक्स एक्सिस लिखना पड़ता या तो वाई एक्सिस लिखना पड़ता, बात समझे। आगे तो पीछे पढ़ा के देखिए वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ये जी। चल तो इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया जाए भाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा देखिए, ये आपका एक्स है ये आपका वाई, चलिए हम लोग दोनों लेंगे पॉजिटिव, दोनों क्या लेंगे पॉजिटिव लेते हैं ताकि एकदम जो बुक में आपके एनसीईआरटी में वही आ जाए। हमने इधर लिया आपका ये क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट क्या है डी डी कॉमा जीरो, और ये आपका क्या है वाई इंटरसेप्ट सी वाई इंटरसेप्ट सी जीरो कॉमा सी। तो हम पहले लेते हैं वाई इंटरसेप्ट, क्या निकाल लेते हैं पहले वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। तो भाई साहब वाई इंटरसेप्ट के लिए हम इस उत्तर तो भूल जाते हैं, वाई इंटरसेप्ट किस लाइन से पास कर रहा होगा एक्स और वाई से, अरे एक पॉइंट ये हो गया एक और पॉइंट हो जाएगा क्या
एगो पॉइंट एक्स वाई हुआ कि नहीं हुआ पहले कहीं एक्स कॉमा वाई हुआ कि नहीं हुआ तो कौन सा फॉर्म आया पॉइंट स्लोप फॉर्म आया पॉइंट स्लोप फॉर्म एगो कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स वन कॉमा वाई वन का मान हो गया और एगो तो पास जिससे करेगा एक्स कॉमा वाई से पास कर रहा है स्लोप टाइम होवे करेगा स्लोप टाइम होवे करेगा तो निकाल दीजिए वाई माइनस वाई वन वाई माइनस बराबर m into x minus x1 y minus y1 का मान c बराबर m into x minus x1 का मान 0 किसके लिए निकाला मैंने भाई y plus के लिए तो y minus c बराबर mx तो y बराबर mx plus में c where m क्या हो जाएगा आपका m हो जाएगा आपका स्लोप स्लोप मतलब ढाल एम क्या आ जाएगा ढाल और सी हो जाता है इंटरसेप्ट बढ़िए बढ़िए अब इस तरह का केमिस्ट्री वाला बात याद करते हैं याद रखिएगा यहाँ बोल रहे हैं ठीक है यहाँ बोल रहे हैं वहां कराएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक उसमें जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे ना जितना भी टॉपिक सब में ग्राफ की आवश्यकता होगी किसमें आवश्यकता होगी ग्राफ की और सब ग्राफ में यही फॉर्मूला लगेगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी सारा वही लगेगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी कोई दिक्कत है ना बड़ा जाएंगे आइए अब इसका निकाल लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट अब बताइए एक्स इंटरसेप्ट के लिए y2 माइनस y1 y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 है ना और पॉइंट स्लोप फॉर्म यही ना है तो y माइनस y1 का मान भाई साहब जीरो बराबर m इंटू x1 x माइनस x1 का मान d x1 का मान ये ना हो और इसके लिए x1 y1 यही ना बन जाएगा तो हो जाएगा y बराबर m x माइनस d ऐसे नहीं रहा इतना ही रहता ठीक है इस पर निकालेंगे अब कहेगा सर अगर इधर निकालते इस तरफ अगर ऐसे वाला लाइन पर निकालते यहाँ पर होता ना कि भाई यहाँ पर d कॉमा जीरो निकालते तो यहाँ हो जाता y बराबर m x प्लस में d क्या क्या हाँ ये माइनस d कॉमा जीरो होगा यहाँ नहीं यहाँ यहाँ माइनस तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कोई दिक्कत बढ़ा जाए अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है भाई साहब राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन फोर बी से टेन थीटा बराबर ना टेन का मतलब क्या स्लोप स्लोप का मतलब क्या एम एम का मान आपको कितना दिया हाफ मतलब वन बाई टू वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन y इंटरसेप्ट इज इतना और x इंटरसेप्ट भाई साहब कुछ नहीं करने का अब सुनने का इधर अब इधर सुनने का मेरे भाई इधर देखने का इधर देखो ये क्या है आपका x ये क्या है y अच्छा भाई y इंटरसेप्ट का मतलब y x को होना चाहिए y x पे अच्छा ये बताओ कि ऊपर ले जाए कि नीचे ले क्या नीचे कितना माइनस यहां मान लेते हैं माइनस तीन बड़ा दो मतलब जीरो कॉमा माइनस तीन बड़ा दो चलेगा क्या हाँ माइनस तीन बड़ा दो नीचे है तो जीरो कॉमा माइनस तीन बड़ा दो होगा उसके बाद हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पर निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जीरो देने का कोई मशक्कत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला है ना वाई बराबर एम एक्स प्लस सी सी के जगह बैठा देंगे हाँ एम के जगह वन बाई टू और सी के जगह पर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा ठीक है चलिए उसके बाद क्या बोला है एक्स इंटरसेप्ट कितना है चार तो चार इधर ले किधर ले इधर ले चार यहाँ मान लेते हैं चार है हो जाएगा चार कमा जीरो तो भाई साहब ये लाइन कटेगा क्या एकदम लाइन कटेगा ये वाला वो दिक्कत है क्या अब निकाला जाए इसका यहां से यहां की जो दूरी थी वो क्या माइनस थ्री बाई टू थी यहां से यहां की दूरी चार अब क्या निकाला जाए पहले वाई इंटरसेप्ट पहले एक्स इंटरसेप्ट y तो m वैल्यू दिया ही है y इंटरसेप्ट बन जाएगा क्या पक्का बन जाएगा गारंटी है अच्छा y माइनस y1
y1 का मान कितना दिया जाए, बोलिए। इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए मेरे भाई बोलिए माइनस y अब बराबर m, m का मान और मान लिखा जाए किसी तक बनाया जाए एक बराबर x इंटू एक्स एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन का मान यहाँ के लिए जीरो, क्या हो जाएगा y प्लस थ्री बाई टू बराबर वन बाई टू एक्स, इसको उधर ले जाए ले आ जाए इसको उधर ना ये हो जाएगा y माइनस वन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू जी। देखिए इतना है यहाँ मतलब बड़ा में डालो फिर हाँ बड़ा में अलग सॉल्व करेंगे टू तो हो जाएगा टू वाई माइनस एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा आपका नीचे से भी देते हो जीरो जाएगा टू वाई माइनस एक्स प्लस तीन बराबर जैसा है क्या हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है एक्स इंटरसेप्ट निकाल लिया जाए एफ इंटरसेप्ट एग्जाम फॉलो बनाइएगा आप लोग को भी आप लोग खाली साइड पे रहता है समझे आप लोग एग्जाम्पल ही बनाते हैं एग्जाम्पल बनाइएगा तो वाई माइनस वाई वन वाई वन जीरो बराबर एम एम वन बाई टू एक्स इन एक्स माइनस एक्स वन चार हो गया क्या वाई बराबर ये हो जाएगा हाफ एक्स माइनस में टू चलेगा क्या कोई दिक्कत पूरा आपको चले आ जाए वाई माइनस हाफ एक्स प्लस में टू बराबर जीरो चलेगा क्या। अरे माइनस इधर आगे प्लस इधर माइनस इधर आगे प्लस इधर आगे माइनस इधर माइनस इधर आगे बटा में दो तो दो आई माइनस में एक्स प्लस में चार बराबर हो गया दो आई माइनस एक्स प्लस चार बराबर हो गया इतना है कि बढ़ा जाएगा। अब आप लोग देखते हैं हम लोग सीधे सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म तो उसमें था कि स्लोप इंटरसेप्ट इसलिए हम लोग ए को लेते थे ये वाई इंटरसेप्ट अलग और ए इंटरसेप्ट अलग लेते थे लेकिन यहां सीधे क्या बोला है इंटरसेप्ट फॉर्म तो इंटरसेप्ट दोनों एक के साथ लेना है वाई इंटरसेप्ट भी और एक्स इंटरसेप्ट दोनों एक साथ लेना है ठीक है हाँ भाई साहब सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हुआ आइए देख लेते हैं कोई बात होगी इसको क्या था एक्स वाई देखिए अब बार 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 एक दो बात को नहीं बताएंगे ठीक है जी कहाँ कहाँ काटेंगे इसको डायरेक्ट हम यही लाइन को ले लेते हैं कोई दिक्कत किसी को ये लाइन को लेकर कोई दिक्कत किसी को ना है हाँ आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन जो एक्चुअल में सीआरटी में फॉर्मूला निकलेगा इससे निकलेगा बढ़िया ठीक है तो आप ये बताइए यहां से यहां तक जो है वो क्या बोलिए डी डी का मान जीरो अच्छा यहां से यहां तक बताइए क्या है सी जीरो कॉमा सी ठीक है तो ये तो हमारे अंदाज एगो कोई अगर दोनों को ले लेते हैं अगर हम इसको सीधे लाइन एल मान लेते हैं आज दोनों को इसको इस थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी हो जाते हैं ये जो प्लेन है इसको बदल बस एक लाइन पर दो पॉइंट तो टू पॉइंट फॉर्म हो जाएगा टू पॉइंट फॉर्म हो जाएगा अरे वो लाइन एक्स वाई कहां पे होगा क्यों एक्स वाई से पास कर रहा होगा ना कर रहा होगा तो फॉर्मूला जो होगा इसका वाई माइनस वाई वन बराबर का जाएगा बोलिए वाई टू माइनस वाई वन बटा एक्स टू माइनस एक्स वन एन टू में क्या हो जाएगा भाई एक्स माइनस एक्स वन कोई दिक्कत बढ़ा जाए अब निकाल लेते इसका वाई माइनस वाई वन वाई वन का मान पहले किसके लिए पहले पहले किसके लिए सुनिए 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 वाई वन ये हो जाएगा एक्स वन ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वाई टू ये हो जाएगा आपका सॉरी एक्स टू ई वाई टू लिख दिया जाए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ना होगा एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू चलेगा क्या आइए वाई वन का मान बताइए वाई जीरो वाई टू का मान सी वाई वन का मान एक्स टू का मान जीरो और एक्स वन का मान डी इंटू में एक्स माइनस एक्स वन का मान डी एक्स वन का मान डी चलेगा क्या अच्छा जी वाई बराबर सी बटा माइनस डी एक्स माइनस डी सॉल्व किया जाए इसको वाई अच्छा इसे कर देते हैं डी भाग में है इधर आकर के माइनस का डी वाई बराबर सी एक्स माइनस में सी डी चलेगा क्या हाँ माइनस में इधर आके प्लस हो जाए इसको
सही हुआ ना वो सी एक्स माइनस में सी डी माइनस में डी वाई। ऐसा करते हैं भाई, इसको इधर ले आते हैं, फॉर्मूला इसका पता है क्या है, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए बराबर ए। ऐसा करते हैं सुन, सी डी को इधर ले आते हैं, सी डी को इधर, डी वाई को इधर ले आते हैं, सब प्लस हो जाएगा, चलेगा क्या? तो इधर आप सुन सुन, इधर सी डी प्लस में इधर माइनस में सी डी इधर आके अब बराबर में सी एक्स इधर ही है, माइनस इधर आके प्लस में डी वाई। अब देखिए इस सी डी को एक बनाना है तो पूरा में दोनों तरफ क्या करें, सी डी से भाग देने पर सी डी से भाग देते सब में, सी डी से इसमें भी सी डी से भाग देना है, इसमें भी सी डी से भाग देना है, इसमें भी सी डी से भाग देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत चल इसमें है लेना है। आइए अब देखिए ये आपका सी से सी एक्स बटा डी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, प्लस में अरे ई डी से डी कर देगा वाई। अच्छा 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 समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए क्या क्यों आ रहा है ई पूरा कदम, और x बटा डी वाई बटा सी आया। किताब में देखिएगा इसको मान ले है ए, इसको मान ले है बी, इसको मान ले है ए, इसको मान ले है बी, कोई दिक्कत नहीं, तो ले लीजिए ना भाई x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए, यही ना था डायरेक्ट हम चारों तरफ लगा देते, लेकिन हमने प्रूफ दिया, कोई दिक्कत। अब आप लोग क्या कीजिएगा, बी और डी और जीरो नहीं मानिएगा, क्या मानिएगा, ए और जीरो, ए को मान यहाँ हो जाए जीरो को मान बी, चलेगा कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ा जाए सर, क्वेश्चन है वो आइए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेक्ट माइनस थ्री एंड टू। माइनस थ्री क्या है, एक्स इंटरसेक्ट, टू क्या है, वाई इंटरसेक्ट। आइए पढ़ याद रखे ग्रास भाई साहब, इधर देखिए एफ इंटरसेक्ट क्या हो गया टू, y इंटरसेक्ट ना f इंटरसेक्ट माइनस थ्री इधर आने का, इधर y इंटरसेक्ट ना है टू है, यहाँ होगा टू, तो जीरो कॉमा टू, यहाँ थ्री कॉमा माइनस थ्री कॉमा जीरो, कोई दिक्कत? चलिए सॉल्व किया जाए इसको, फॉर्मूला क्या निकाला जाए, अभी फॉर्मूला का 2.4 पे क्या बन रहे हैं, एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर ए, एक्स बटा ए, ए है ना जी, अरे भाई इधर ही ना ए है माइनस बी, इधर ही ना बी है दू, समझ में आया क्या आ? अब भाई एक्स बटा कितना है अब प्लस वाई बटा कितना है बराबर ए, इतना ही पर सोल्व कर सबके लिए, सॉल्व है तीन दुना माइनस छ, तीन दुना छ टू एक्स और द्वितीय माइनस हो तो माइनस में तीन वाई बराबर में ए, तो दो एक्स माइनस तीन वाई बराबर माइनस छ, तो दो एक्स माइनस तीन वाई माइनस इधर आगे प्लस छ बराबर जीरो, सही की माइनस कॉमन लेकर के करो ए। अगला आपका नॉर्मल फॉर्म क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट टॉपिक का नॉर्मल मतलब बढ़िया से पढ़िए समझिएगा इसको, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखिए नॉर्मल मतलब लंब, नॉर्मल मतलब, अरे भाई अभी फिजिक्स में नॉर्मल पढ़े हैं, नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है सतह के, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो वही नॉर्मल देखिए कुछ नहीं करने का, बस एक एक बात यहाँ देख लीजिएगा, ए हमने एक लाइन की चार लाइन एल है, लाइन क्या है ये एल है, और ई तो सब लोग जानता है इस दोनों को, अब जान गया हो ना, जान गया होंगे ए कमा जीरो और क्या जान गए होंगे बी जीरो कमा बी, ठीक है कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना है, यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर कितना ही लाइन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर दोनों लाइन के बीच में, ठीक है परपेंडिकुलर एंगल नब्बे होगा इसका, याद रखिए मोटा ज्यादा हो चुका है कि हाँ सही बात है। और हम लोग जो एक्स जो हम लोग एंगल जो लेंगे क्या लेंगे एंगल, अभी तो सिर्फ बता रहे हैं प्रूफ देंगे हम इसका, एंगल जो लेंगे एंगल किधर से लेते, बताइए एंगल किधर से लेंगे, एक्स से किधर से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, हाँ किससे लेते हैं, इसमें एंगल थीटा नहीं हुआ, इसमें एंगल दिया है उनका हक पे,
क्या दिया? ओमेगा दिया। अब ये सर ओमेगा काहे दिया, टिक्टा काहे नहीं दिया है, ओमेगा काहे दिया है, थोड़ा अलग करने का इसका विचार, ठीक है, थोड़ा इसको अलग करने का विचार। ये समझ में आया क्या? ये 90 है यहाँ पे, ये तो मालूम नहीं है, ये बात समझ में आ गया होगा सबको। और हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। अब फॉर्मूला क्या निकालने का है, बात को पहले समझने का, ई लाइन का स्लोप निकालने का, क्या निकालने का है, ई लाइन का स्लोप, ई लाइन का स्लोप, फिर से इस लाइन का क्या निकालना है, स्लोप निकालना, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, इसको बताइए, कोई अरे बताइए, स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए, हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट बताइए ना कि एक हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, एक बिंदु का कोऑर्डिनेट चाहिए, निशान चाहिए एक बिंदु का, एक पॉइंट का, ए वो क्या चाहिए, एक समय तो दिया हुआ रहता है, एक वो स्लोप चाहिए, हाँ क्या चाहिए, एक स्लोप चाहिए आपको, एक वो लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो एक वो पॉइंट मालूम कर लीजिए और एक स्लोप मालूम कर लीजिए, उसका इक्वेशन आराम से निकल जाएगा। इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है अगर आपको, बढ़ जाइए, ठीक है। इस लाइन का ए वो कोई भी कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए जो एक्स वन वाई वन होगा, और एक्स वाई रहे करेगा वो कि तो रहता है पास उससे करता है, और ए वो स्लोप हो जाना चाहिए, ठीक है। ए को बता दिया कि दोनों, अच्छा पहले इसको मान लेते हैं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको इसकी तो ओ हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है, इसकी लेंथ है पी, इसकी लंबाई P है, इसको O, इसको P मान लिया जाए, पी नहीं, पी नहीं, M मान लेते, M, इसको मान ले, M हो गया, E N हो गया, E L हो गया, कुछ कुछ मान लेते, अपना मर्जी है, ठीक। अब बात सुनो, तो अगर हम M का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, अब कहिएगा सर इसको मान लीजिए A, E A कॉमा जीरो, अरे तो फिर इंटरसेप्ट में तो जाएगा, हमको इंटरसेप्ट में थोड़ा जाना है, हमको तो यहाँ से निकालना, इस लाइन और इस लाइन की वजह से ये लाइन है, ये लाइन है और ये भी लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, समझे। तो एक लाइन, इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप तो हमको मालूम, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओरिजिन से जो लाइन निकलता है उसका स्लोप क्या होता है, मेरा भाई बताएगा, हाँ पिछला एक्सरसाइज बताए थे, ओरिजिन से जो जो लाइन निकलता है, ओरिजिन से जो लाइन निकलता है उसका जो स्लोप होता है वो होता है टैन थीटा, 10.1 के इंट्रोडक्शन में बताए, टैन थीटा जिसको हम बोलते हैं, हाँ ओरिजिन से जो लाइन निकलता है क्या बोलेंगे, उसका जो स्लोप टैन थीटा, आप चलो तो इसका तो स्लोप हमको मालूम, हमको स्लोप ऑफ ओ एम मालूम है, कितना भाई साहब, टैन थीटा नहीं टैन ओमेगा, या ओमेगा ना, अच्छा इसका अगर स्लोप मालूम हो जाए, इसका स्लोप, इसका स्लोप आराम से निकालेंगे, अरे इसका स्लोप हमको मालूम हो गया मेरे भाई, इसका स्लोप तो हो जाएगा मालूम, नहीं होगा मालूम, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कैसे होगा सर, अरे ई लाइन और ई लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, आए तो अब ये दिमाग में नहीं आए कि स्लोप ऑफ ओ एम गुना में स्लोप ऑफ एल एम इक्वल टू माइनस वन, नहीं आया है, स्लोप ऑफ, हमको हमको निकालना क्या, फिर से सुनिए, हमको निकालना एक ही चीज है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस लाइन का स्लोप मालूम कर रहे हैं और इस लाइन का एगो कोऑर्डिनेट मालूम कर रहे हैं। तो पहले तो स्लोप की बात आ गई, तो हम लोग जानते थे कि इसका जो ओरिजिन से निकलता है उसका स्लोप क्या होता है, टैन थीटा, तो थीटा नहीं है ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है भाई, ओमेगा क्या है, ओमेगा टैन ओमेगा, तो ई लाइन और ई लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, बताया था जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो दोनों लाइन ना, तो उसका जो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप m1 m2 गुना में जो होता बराबर माइनस से बराबर होता, तो स्लोप ऑफ जो होगा स्लोप ऑफ om om गुना में स्लोप ऑफ बोलिए स्लोप ऑफ ln ln ln
बराबर स्लोप ऑफ कोण कितना है tan ओमेगा एंड टू में स्लोप ऑफ ln नहीं पता है वही तो निकालना है स्लोप ऑफ ln बराबर माइनस वन तो स्लोप ऑफ ln ln बराबर माइनस वन बटा tan ओमेगा अरे वाह tan ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है साइन ओमेगा बटा में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा बटा चलिए यानी कि इस लाइन का स्लोप हमको मालूम हो इस लाइन का एलएन का जो स्लोप है वो हमको मालूम हो गया एम बराबर मालूम होगी ठीक है। अब हमको इसका कोऑर्डिनेट चाहिए कोऑर्डिनेट किसे निकालेंगे आप सुनिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे वेक्टर फॉर्म को याद कीजिए किसको याद कीजिए वेक्टर फॉर्म को याद कीजिए यहां से इसको लंब गिरा देते हैं इसे ये यहां पहुंचने के लिए भाई साहब यहां पर हमको पहुंचने के लिए इधर चलना पड़ेगा फिर इधर यहां पहुंचने के लिए इधर चलना पड़ेगा एक्स में इधर चलना पड़ेगा वाई में तो क्या एक्स पर वाई होगा के दी तो अब हम तो भाई हमको तो पता नहीं है हमको पता नहीं है कि भाई यहां पहुंचने के लिए इसमें यहां कितना चलना पड़ेगा और यहां कितना चलना पड़ेगा पता है क्या आपको हमको नहीं पता आपको पता है क्या है अरे यहां भाई साहब तुरंत ना बताएं हमें यहां पहुंचने के लिए इधर एक्स में चलना पड़ेगा इधर वाई में चलना पड़ेगा तो एक्स में वाई का होता है तो वही ना यहां निकालना है एक्स में वाई तो अभी नहीं मान तेरा क्या करने बता अरे भाई साहब ये कितना है पी इसका कंपोनेंट आता है निकाल ले इधर क्या cos ओमेगा इधर इधर क्या p sin ओमेगा है तो पहले x में चलेगी पहले y में पहले x में तब रेस नहीं बताएगा यहां का कोऑर्डिनेट बता cos ओमेगा कॉमा p sin ओमेगा कोई दिक्कत अब बच्चा पहले बोलेगा पहले सर पहले साइन साइन कोसाइन पहले साइन करते हैं तो पहले साइन ले बोलते धरा देगा गिल्ला काम खत्म है तो आपका एगो कोऑर्डिनेट भी मालूम हो गया और आपका एगो स्लोप भी मालूम हो गया तो फार्मूला लगावे आवत है का y माइनस y1 बराबर m इनटू x माइनस x1 तो y माइनस y1 y बराबर p sin ओमेगा चलेगा क्या एम का मान माइनस कॉस ओमेगा बटा में साइन ओमेगा इनटू में एक्स माइनस पी कॉस ओमेगा ऐसा करें ना भाई ऐसा करो देखो यहाँ पर हम लोग बात किया था ना इधर तो साइन ओमेगा को भाग में गुणा मिलाएंगे तो वाई साइन ओमेगा माइनस में पी साइन स्क्वायर ओमेगा साइन से साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा चलेगा क्या बराबर माइनस कॉस एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स कॉस ओमेगा माइनस माइनस कॉस से कॉस के तो पी कॉस स्क्वायर ओमेगा अच्छा ये बतिया हमारे समझ लीजिए इधर देखिए इधर तो लगा क्या बस काने दिल तो करा थोड़ा सुनिए भाई इधर की माइनस पी साइन स्क्वायर उधर जाएगा पी प्लस पी साइन स्क्वायर जाएगा अगर माइनस में स्क्वायर उधर आगे तो वाई साइन ओमेगा माइनस उधर प्लस में एक्स कॉस ओमेगा बराबर पी कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस में प्लस में पी साइन स्क्वायर पी कॉमन ले लेंगे इधर सुनिए इसको देखकर अरेंज करते हैं एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा बराबर पी कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस में इधर वन हो जाएगा फॉर्मूला जो आपका निकल के आया मेरे भाई वो आया एक्स कॉस ओमेगा वाई साइन ओमेगा बराबर पी। अच्छा ई बताओ पी क्या है जो ओरिजिन से जो लाइन पर जो लंब पड़ता है उसकी दूरी उसकी अच्छा चाहते तो हम डायरेक्ट सुनिए आराम से 10 मिनट में जो वीडियो बन जाता है कहा बन जाता है हम चाहते तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो भी पढ़ाए हैं इसका सिर्फ फॉर्मूला लिख देते क्या लिख देते इसका
इसका सिर्फ फॉर्मूला ले देते y बराबर mx प्लस c, ना ले देते हम पढ़ाए हैं टू सीधे इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाए हैं, इसका चाहते तो सिर्फ फॉर्मूला ले देते, हमने प्रूफ दोनों का दिया। हम चाहते तो नॉर्मल फॉर्म का सिर्फ फॉर्मूला लिख सकते थे, ठीक है, x शून्य x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p रटा देते, लेकिन नहीं ना, सवाल जब करने आप ये तो वहां लैंग्वेज में सवाल है आपको, अब जब ये सब ऐसे लैंग्वेज में रहेगा p लैंग्वेज में रहेगा यहां का ये दे रहेगा ओमेगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो वही बात है, तो पहले समझने का, ठीक है। अब आइए देखिए इसका सवाल, इसका सवाल चाप के बन जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, देखिए ओरिजिन क्या बोला, बात को समझिए क्या बोला है, देखिए ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट, मतलब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि p बराबर 4 दे दिया आपको। अच्छा इसका आधी बनाया जाए भाई, ग्राफ बना लेते हैं कि नहीं बढ़िया रहेगा, इसमें वो ऐसा है भाई, यहां से कितना दिया है 4, पी का मान आपको कितना दिया है 4, अब सुनिए 4 एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री, और नीचे आ गई क्योंकि भाई हम 45 पे कर दिए कि 15, समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे 15, ये आपका 15 डिग्री समझते हो क्या है, ओमेगा कितना है आपका 15 डिग्री। अच्छा फॉर्मूला आप निकाल दीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, y को थोड़े सुना x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबर p, x cos कितना 15, y sin कितना 15 बराबर 4, cos 15 sin 15 का मान मालूम है हमको, तो ना है मालूम, आप लोग को है मालूम, तरीका से निकाल लेंगे, क्या तरीका इसका हो जाएगा नहीं सुन लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, इसका तरीका ये होना चाहिए भाई साहब, cos 15 बराबर ले सकते हैं cos 45 माइनस 30, cos a a माइनस b का फॉर्मूला जानते हैं, cos a cos b प्लस में sin a sin b, तो cos a cos b, तो cos a cos b का मान cos 45, अच्छा ये सब भूल गए क्या आप लोग, याद है, याद है cos a cos b मतलब cos 30, अब माइनस होता है प्लस रहता है sin 45 into sin 30 e 1/√2 e √3/2 1/√2 निकाला जाए, इसको भी दबाई ले सकते हैं साइन 45 माइनस 30, जो त्रिकोणमिति नहीं पढ़ लिया होगा उसको तो भाई पाने, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन, साइन ए कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सॉरी ई वन बाई आई वन बाई टू माइनस ई वन बाई रूट टू वन बाई टू, ठीक है, रूट थ्री बाई टू, बात तो वही जा रहा है लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा कि पहले से मालूम होता तो हो जाता, इतना करना भी नहीं पड़ता, कि निखिल बस यहाँ आइए, यहाँ इस फॉर्मूला को रखिए, cos 15 का मान √3 - 1/√2 + y √3 - 1/√2
बराबर लघुत्तम ले लीजिए, दो रूट दो क्या हो जाएगा लघुत्तम, तो एक्स इंटू रूट तीन प्लस वन वाई इंटू रूट तीन माइनस वन। अच्छा इतना ही प्रश्न चलते रहते हैं दूसरा, इतना ही प्रश्न होगा तो मतलब पूरा बनाया हुआ है, मतलब मेहनत करवाएगा। एक्स रूट तीन प्लस वन प्लस वाई इंटू रूट तीन माइनस वन बराबर चार गुना आठ रूट दो। देखिए तो ऐसे ये प्लस में इधर इधर माइनस में बराबर नहीं तो ऐसे बराबर बात है। तो चलिए भाई हो गया, चलेगा क्या? एक और बस ये सवाल हम कर दिया, कर दिया जाए पहले समझा देते। प्रायोगिक दब फारेनहाइट टेम्परेचर एफ एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो कितना है के सेटिस्फाई ऑल लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, गिवन के बराबर इतना व्हेन जब के इतना है तो एफ इतना है और डैट जब के इतना है तो एफ इतना है। एक्सप्रेस द के एंड एफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ जब के जीरो। भाई साहब देखिए आप क्या है, पहले तो ये बना लो, ये बना लीजिए, इसमें क्या कर दिया थोड़ा ठगा है ये ठगुरा, ये ठगने का हम क्या किया सुनो, इसमें आपको x और y के जगह पे क्या लेना है f और k लेना है, क्या लेना है f और तो इसको ये तो x एक्सिस मानवे करते हैं इसको y एक्सिस, लेकिन इसमें जो इधर जो है क्या मानना है k, क्या मानना है k, इसको मान लीजिए f, क्या मान लीजिए f। तो भाई जब देखिएगा f कितना है k कितना है 273, तो f कितना हो जाएगा तो k 273 यहां मान लेते हैं k 273 इतना है k 273 है तो f कितना है 32। चलिए इसको थोड़ा मिला दिया जाए, इसका परिणत हो जाएगा क्या 273.32। बाहर में जाकर क्या करा कि जब k 373 हो जाए, जब k 373 यहां रहते हैं k 373 यहां f कितना हो जाएगा 212। बात को समझिएगा पूरा, वहीं पर नहीं जाएगा एकदम, ठीक है बात समझे। अब ये पॉइंट अब यहां से अगर खींचेंगे इसको जरूर नहीं कोऑर्डिनेट से जा रहा है, फिर ओरिजिन बोल रहा है फिर ओरिजिन, तो अब कैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट पर से जाएगा, दूसरी जगह से जा सकता है, दूसरी जगह से जा सकता है। अपने हमने बनाया है इसी किसी किसी के इसलिए स्क्वायर बना दिया, पथी पर से ना जाएगा स्क्वायर बना दिया इसलिए यहाँ चला गया ओरिजिनल से, जब नहीं तो ओरिजिनल से जाए ठीक है। अच्छा आप लोगों को दिखा इसमें क्या करने का, हम इसमें यही कहा है कि भाई के और एफ का वैल्यू निकालना है, कोई नहीं पहले तो के एफ का वैल्यू निकालना है, और तब कह रहा है कि एफ का वैल्यू निकाले जब के जीरो है, तो पहले बाद में के का मान जीरो रखे तब एफ का मान निकालना है, नहीं याद है अभी इन्हें एक्स कॉमा वाई के जगह पे के कॉमा एफ रखना है, हाँ ठीक है। अच्छा दिखाई क्या कौन सा फॉर्म है, टू पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला y माइनस वाई वन बराबर वाई टू माइनस वाई वन बट्टा एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बस अब रुक जाइए, हमने कहा था y के जगह पे f माइनस वाई वन। अच्छा रुक जाइए बैठा देते चल भाई वाई वन कौन, वाई वन कौन होता एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू 32, वाई टू कौन होता भाई 212 बदल दे 212 माइनस वाई वन 32, एक्स टू का मान 373 माइनस 273, एक्स का मान के, एक्स का मान एक्स नहीं लेने का इसमें के लेने का भाई, एक्स वन का मान 273 सॉल्व करने का इसको, एफ माइनस 32 बराबर 212 32 280 180 हो जा रहा है, आए कहाँ है हम के माइनस 200 180 को सुनना 9/5
एफ माइनस 32 बराबर 9 बाईस। अरे भाई के माइनस 273 इधर माइनस में जरा के एफ बराबर हो गया 9 बाई 5 के माइनस 273 प्लस में ए बराबर है बराबर इतना हो सकता है। अब आगे दे रहा होगा तो उसको सॉल्व आप लोग कीजिएगा उसमें दिक्कत नहीं है। ए बराबर हो गया अब हम के बराबर यहां से निकाले के बराबर इधर माइनस हो जाता है तो उधर के पहले पहले क्या करते पहले ये दोनों को उधर ले जाते हैं इसी से निकाल लेते हैं के का एफ माइनस 32 बराबर 9 बाई 5 के माइनस 273 है ना। और इसको ले लिए इसको यूज किए यहाँ समझे नहीं समझे हाँ जी। अब देखिए हमको के का मान निकालना है ना भाई पहले क्या बोला पहले बोला भाई के का निकाल एफ का निकाल फिर बोला दोबारा कि अब एफ का निकाल जब के जीरो है तो पहले एफ और एफ का तो हो गया मिला दे भाई तुम्हें हाँ तो क्यों मिल जाएगा तो ये 9/5 अगर इधर इधर ले आते इसको तो ये 5/9 एफ माइनस 32 हो जाएगा हो जाएगा बराबर के माइनस 273 जब माइनस करा के प्लस तो के बराबर ही पूरा हो जाएगा 5/9 एफ माइनस 32 प्लस में 273 देखा तो के बराबर ही होगा। अब इस समीकरण का यूज करके के का मान जीरो रख करके एफ का मान निकाल लेंगे आए इधर देखो इधर अरे यार एक्स वाई का मान सीधे समीकरण नहीं पूछा इसमें समीकरण पूछा नहीं पूछा समीकरण समीकरण पूछता तो यहाँ एक्स वाई रखते जैसे एक्स वाई है एक्स वाई का मान रख करके समीकरण एक्स वाई के फॉर्म में निकाल लेते लेकिन एक्स वाई के फॉर्म में नहीं यहाँ पूछा एक्स और वाई के मान निकाल समीकरण नहीं निकाल एक्स के मान निकाल वाई के मान निकाल ई कहा है जब एक्स बराबर जीरो हो तो वाई का मान निकाल के काहे नहीं निकालेंगे डरते हैं उससे क्या आइए एफ बराबर 9/5 के बराबर जीरो ले लेते हैं एफ बराबर 9 बाय उतना जगह नहीं जो पूरा लिख रहे हैं के का मान जीरो माइनस में 273 प्लस में 32 चलेगा क्या हाँ अब इसको गुना कर दीजिए फिर लोग सुन लीजिए एफ बराबर 9/9 का दी 9 तिहाई माइनस में 9 तिहाई 27 963 दो 65 और 9 दुना 18 6 2457/5 प्लस में 32 एफ बराबर सही है कि 2457 9 तिहाई 27 963 दो 65 और 9 दुना 18 6 24 बटा में लघुत्तम लेंगे 1/5 लघुत्तम कितना हो जाएगा 5 तो माइनस का 2457 प्लस का 32 पंचे 160 एफ बराबर एफ बराबर हो जाएगा 7 में से 0 गया तो 7 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15 में से 6 गया 9 ये बचा 3 3 में से गया 3 में से गया 2 आई 2 2297/5 तो एफ बराबर का हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस में आई बचा 2 9 पाचा 25 4 47 5 नंबर 45 5 चौका 20 ये भाई बहन भाई कैसे नहीं आएगा अगला दिन क्या करने का एक्सरसाइज 10.2 होमवर्क में चले अच्छा सुनिए साइड एक्सरसाइज देने के बाद एक शायरी याद आया ठीक है एक्सरसाइज में एक क्या आया याद शायरी कौन कौन फॉर्म पड़े अभी पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म है ना तो चलिए एक शायरी बोलते हैं भाई साहब कि पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म सीख लेना ही ज्ञान है पॉइंट फॉर्म टू पॉइंट फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म सीख लेना ही ज्ञान है और जो विद्यार्थी इस एक्सरसाइज को अपने मेहनत से कम्प्लीट कर लेना वही महान है ठीक है जल्दी भाई इतना पर कदम पड़ते हैं इसको इसलिए महान बनने का तो क्या करने का एक्सरसाइज कंप्लीट करेगा तभी महान होगा ठीक है ये सब आगे का है चलिए भाई तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को तब
कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।